अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत हुई, जिसमें किसानों ने कई बड़े ऐलान किए हैं। महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होंगे, सरकार किसानों को बांटना चाहती है। आइए सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा है। देखो, आज की यहाँ पे मीटिंग हुई, सब लोग यहाँ मीटिंग में शामिल हुए और एक मैसेज गया सरकार को कि देश का किसान इकट्ठा है और सरकार बातचीत से समाधान निकाल ले, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा देश से। ये कश्मीर से लगा के और ये कन्याकुमारी तक आंदोलन चलेंगे हमारे। जिस तरह से बिहार को बर्बाद करा है, ये ऐसे ही पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे बिहार में मंडिया सेक्टर खत्म करा, पूरा जो बाजार समिति है वहाँ एक भी मंडी नहीं है, बिहार के लोग लेबर बनाए, तो इसी तरह से पूरे देश के किसान को ये लेबर बनाना चाहते हैं, इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। ना किसान अपनी जमीन देगा, आंदोलन करेगा, ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग किसान संगठन बनाना चाहते हैं। सरकार की पॉलिसी है उससे किसान बचे और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें। क्या ये मैसेज जो है आप, क्योंकि हमने मन से भी सुना, आपने कहा कि अलग अलग समुदाय का आंदोलन, अभी देश में बहुत किसान संगठन बनेंगे जी। भारत सरकार की पूरी पॉलिसी है कि इन किसान संगठनों को जाति में तोड़ो, धार्मिक उसमें तोड़ो, क्षेत्रवाद में तोड़ो, भाषा में तोड़ो, अलग अलग फसलों के किसान संगठन खड़े करो, ये सरकारों की पॉलिसी है। बॉर्डर वाले आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, इसी हमारा प्रतिक्रिया ये है कि हम किसान के साथ में हैं। हमारी 6 मेंबरी तालमेल कमेटी हमने बनाई है और वो तालमेल कमेटी उनसे बात कर रही है। हमने कहा कि देश का किसान एक जगह फिराए, जो दिल्ली मोर्चे से इकट्ठा गया था, हम सब इकट्ठा रहना चाहते हैं। आपने मन से ये भी कहा कि हर बार ये कहा जाता है कि सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन झूठ बोलती है, झूठ। क्या इस बीच कोई बात नहीं कर रही आपकी तरफ से भी कोई पत्र, कोई अच्छा पत्र प्रेस के माध्यम से? रोज ये पत्र तो है, LIU इंटेलिजेंस, IB, CBI सब रहती है ना बीच में, तो पत्र तो है, बात करवा दो, हम कोई मना कर रहे हैं। और हम ये है कि अकेले आदमी से नहीं, हमारा 5 आदमी 8 आदमी 10 आदमी संयुक्त मोर्चे के नेता है, वे चले जाएंगे, उनसे बात कर। ये एक दिन वाला था, तो क्या अभी एक आगे दिन की क्या रणनीति? आज चले जाएंगे यहाँ से और इसके बाद में पूरे प्रदेश में, देश भर में अपनी मीटिंग करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, तहसील लेवल पे करो, क्योंकि लोकल समस्या बहुत रहती है। किसान की खाली MSP की समस्या ही नहीं है, कि MSP की समस्या का समाधान होगा, समस्याओं का सब खत्म होगा, बहुत समस्या है, लेके अधिकारी से, पटवारी से लगा के, गांव स्तर से लेके और दिल्ली तक समस्या है। देखो वो भी एक आंदोलन है, उनके भी लीडर हैं और उनके लीडर से सरकार की बातचीत हुई है और वो भी हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि किसान है, किसान हार के वापसी नहीं जाएगा, किसान सब हम एक हैं। और शुभकरण जो वहाँ पर एक शहीद हुआ, वहाँ पे करीब 7 के आसपास शहीद हुए, उपकरण सिंह शहीद हुआ वहाँ पे और गोली उसका लगी है, दुखद घटना है, उसके परिवार के साथ में है और जो भी कमेटी फैसला लेगी हम साथ में। किसान जो हारे रोगी हैं, बहुत जगह रोके हैं किसान, वो चे किसान वो नोएडा का हो, जहाँ पे बसे गई थी उन्होंने किसान को नहीं तंग करा, वे जो बसे थी उन बस वालों के कंडक्टरों के साथ में मारपीट कर उनको धमकाया और वे वहां से भगाए। तो युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है वहां पर, उस पे क्या कहना चाहिए? बैठ के सरकारों को उसको निपटाना चाहिए, लेकिन उसमें सरकारों की पूरी पॉलिसी है कि वो आंदोलन लंबा चले, उससे उन सरकार को फायदा ये है कि वो पंजाब को बदनाम करेगी, पंजाब सरकार को बदनाम करेगी, सिख समाज को बदनाम करेगी, उसके माध्यम से किसान को बदनाम करेगी। और ये ठाकुर मेहंदीपुर साहब 80 गाड़ियों के साथ में बड़ी मुश्किल से, बहुत वहाँ पे भी दिक्कत हुई है कि जो गाड़ियाँ मेहंदीपुर और उस साइड से जो आ रही थी नूह मेवात से, उनको रोका जा रहा, उनको परेशान वहाँ पे भी किया जा रहा, ये दुखदायी चीज है। सरकारी पानी भर जाता है, नहर में पानी नहीं आ सकता खेत में, लेकिन ग्राउंड में पानी आ सकता है, तो सरकारी पानी है भाई, ये हवा के द्वारा भी आ सकता है, ये बिना बारिश का पानी है, जमीन में से भी आ जा सरकारी पानी और उसका भी आ जाता है, या वाटर कैनन का भी आता है। संगठन जो है बने हुए आज इकट्ठे हुए सब इकट्ठे हैं।
सर एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है। चलो चुनाव तो आते हैं, चुनाव तो इनका पॉलिटिकल आदमियों का त्योहार है भाई, तो मनाना चाहिए इनको। मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी बार 2024 में बढ़ाओगे तो सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। अरे पहले ही कह रहा कि हमारी आओगी 400 से ज्यादा आओगी, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है सर? क्या कहना है, जब सरकार ये कह रही है अब की बार 400 पार, तो जीते हुए तो है ही वो। फिर अगर ये जीत रहे हैं तो इसको रिन्यूअल कर ले, क्यों खाम खा खर्चा करवा रहे? भाई रिन्यूअल कर लेना इसको, एक प्रस्ताव पास कर मोहर मारे रिन्यूअल कर ले। मोदी साहब को इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते वो? आप उस पर नहीं करवाते, बैलेट पे हो जाए तो रास्ता साफ हो जाए सबको। नहीं चलो, किसकी दिखे किसी की नहीं दिखती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।